सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम विशाल चौधरी, आप देख रहे हैं चार्ट टेक्स्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम दिखाने वाले हैं बहुत ज्यादा फेमस और लेजेंडरी ग्राफिक्स कार्ड, जो अपने टाइम का सबसे बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड माना जाता था। और ये ग्राफिक कार्ड आज भी काफी केपेबल है गेमिंग के। तो हम देखने वाले हैं 2021 में ये ग्राफिक्स कार्ड कैसे परफॉर्म करता है। सो इस वीडियो में जो ग्राफिक्स कार्ड हम यूज करने वाले वो हमारा GTX 750 Ti OC वेरिएंट। आप देख सकते हो कि GTX 750 का एक नॉर्मल वेरिएंट भी, अगर इसमें सिंगल फैन होता है ऑरेंज कलर का, वो जैसे आपको वीडियो में राइट में दिखाई दे रहा होगा, बट ये एक OC वेरिएंट है। तो आज इसी का रिव्यू हम करने वाले 2021 में, देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं आज की गेमिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, राइट अपना वेस्ट करते हुए। वैसे आज की वीडियो में हम जो ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करने वाले हैं हमारा GTX 750 Ti 2GB OC वेरिएंट, जो हमारे सामने रखा हुआ है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड एक डुअल फैन ग्राफिक्स कार्ड है, और वहीं आप इसका नाम देखना चाहो तो आपको पीछे इसके बार कोड के साथ इसका नाम दिख जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है जोटेक GTX 750 Ti OC वेरिएंट। तो ये काफ़ी अच्छा लुक्स में है ग्राफिक्स कार्ड, और इसकी जो कलर थीम है वो है ऑरेंज और ब्लैक। और वहीं देख लेते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस, तो दो DVI पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक वाइट और एक येलो, और एक डिस्प्ले पोर्ट और एक HDMI पोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप करंटली इसमें 4 डिस्प्ले एक साथ चला सकते हो। और वहीं मैं इसमें करंटली बस HDMI पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी पोर्ट्स मेरे अभी काम के हैं नहीं। और वहीं बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो ये नया तो आपको मिलने वाला है नहीं, बट अगर आप इसे सेकंड लेने जाओगे तो आपको ये आराम से 30,000 से लेकर 3,500 तक के बीच में आराम से मिल जाएगा, जो एक काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। मैंने इसे 3,200 में खरीदा था और सबसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो अब देख लेते हैं कैसा परफॉर्म करता है बेंचमार्किंग में 2021 में। सो गाइस, इसमें मैंने ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं चलाए हैं, क्योंकि मुझे देखना है कि ग्राफिक्स कार्ड कौन सी गेम्स है जो प्ले कर सकता है अभी भी 2021 में, जो गेम्स अभी डेड नहीं हुए आप उन्हें आराम से खेल सकते हो। पर अगर इसमें कुछ ज़्यादा ही हाई एंड गेम चलाने लगे, Assassin's Creed वेला और साइबरपंक, तो वो ये चला नहीं पाएगा ढंग से, बहुत कम FPS आएंगे तो आप इसमें जाओगे भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बेंचमार्किंग को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस, सिंपली आ गए हमने PC के सामने, जिसमें हमें लगाना हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो आप देख सकते होंगे मेरे PC मैनेजमेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरी एक हार्ड डिस्क जो है वो ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से सारा केबल मैनेजमेंट बिगड़ चुका है और मेरे को एक हार्ड डिस्क अपनी साइड में रखनी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना है अपने ये ब्लू वाले पोर्ट में, जो आपके मदरबोर्ड में होगा। अगर आपका कोई भी आपके पास मदरबोर्ड है तो उसमें पोर्ट होना ही होगा। तो आप देख सकते हैं इसके आगे आपको लिखा होगा PCI Express 16, जो ग्राफिक्स कार्ड का ही पोर्ट होता है। उसमें अदर फेयरवेल्स भी लगा सकते हो, जैसे कि कैप्चर कार्ड वगैरह, बट सिंपली इसमें हम लगाने वाले हमारा ग्राफिक्स कार्ड, जो हमारा GTX 750 है, जिसके ऊपर ये वीडियो है। तो ये रहा मेरा ग्राफिक्स कार्ड, मैं इसको लगा लूँगा सिंपली इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं आपको चिप वाली साइड को ऊपर रखना और सिंपली इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड घुसा देना, जो बहुत ही आसान तरीका है। कुछ भी आपको मेन चीज़ नहीं है कि कुछ भी आपको हाइप करने की ज़रूरत है, सिंपली इसके अंदर आप लगाएंगे और ये आराम से अपने आप घुस जाएगा। और आपको इसमें नीचे एक लॉक दिया होगा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का, तो आपको उसी भी लॉक को लगा देना, जैसे मैं लगाया था यहाँ पर टाइट से। और ये जो ग्राफिक्स कार्ड है इसमें आपको सिंपली दिख रहा होगा 6 पिन का कनेक्टर भी लगाना पड़ रहा है एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए। तो मैं अपने पावर सप्लाई से एक्स्ट्रा पावर लूँगा, जिसमें मैंने पहले से ही पोर्ट लगाया हुआ है, और इसको सिंपली इसके अंदर लगा दूंगा, जिससे मेरा ग्राफिक्स कार्ड पावर ऑन हो जाएगा। तो सिंपली लगाने के बाद अब मैंने इसको यहाँ पर फिट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो सिंपली अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे स्क्रूज लगा देने अपने दो, जिससे आपका ग्राफिक्स कार्ड हो जाएगा टाइट और बिल्कुल भी नहीं हिलेगा कैबिनेट के अंदर। तो ये लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आपका ग्राफिक्स कार्ड हो सकता है खराब। तो गाइस, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अपने विंडोज़ के अंदर उसके ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है, जो भी आपके ग्राफिक्स कार्ड का नाम है उसको सर्च करके, और आपका ग्राफिक्स कार्ड हो जाएगा रेडी टू गो, आप गेम खेल सकते हो आराम से। तो शुरू कर लेते हैं गेमिंग को।
You're a superhero.